नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। जिस जन्म कुंडली का अभी हम विश्लेषण करने वाले हैं, 5 मई 1982 रात को 11:05 मलाड़ का इनका जन्म है, मुंबई, महाराष्ट्र। इनके ग्रह स्पष्ट को देखेंगे तो लग्न धनु राशि का बनेगा, 16 डिग्री का। सूर्य मेष राशि में है अर्थात सूर्य इनका उच्च का है। चंद्रमा इनका कन्या राशि में है, 25 डिग्री का है, ठीक है। और मंगल इनका कन्या राशि में है, यानी चंद्रमा मंगल एक ही राशि में है। बुध इनका वृषभ राशि में है, मित्र के घर का है, ठीक है। गुरु इनका तुला राशि में है, यानी शत्रु राशि में है। शुक्र इनका उच्च का होकर के बैठा हुआ है। चूंकि शुक्र उच्च का है तो इसलिए गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र गुरु के घर में नहीं है बल्कि अपनी उच्च राशि में है, अपनी उच्च राशि के घर में है। शनि यहाँ पर कन्या राशि में है और राहु मिथुन में है, ठीक है। केतु धनु राशि में है तो राहु केतु भी अच्छी राशियों में होकर के बैठे हुए हैं। लग्न कुंडली की अगर इनके बात किया जाए तो लग्न का स्वामी गुरु है, लाभ भाव में गया हुआ है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, उनको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। तो गुरु का एकादश भाव में जाना अच्छा है। अगर यही शत्रु राशि ना होती तो कुछ और भी बेहतर हो सकता था। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, दशम भाव में आकर के बैठा हुआ है और यहाँ पर शनि जो है चंद्रमा के साथ में है और डिग्री कली अगर आप देखेंगे तो शनि और चंद्रमा की डिग्रियों में अधिक अंतर नहीं है। तो शनि ने चंद्रमा को प्रभावित किया हुआ है, इसलिए इनको तनाव, टेंशन, चिंताएं भी लगी रहेंगी। मन इनका प्रसन्न या संतुष्ट नहीं रहेगा। कामकाज कैसा भी चले, अच्छा चले या बुरा चले, बुरा चलेगा तब तो अप्रसन्नता रहेगी ही रहेगी, अच्छा भी चलेगा तो भी तनाव, टेंशन बना ही रहेगा। तो ये शनि चंद्रमा का योग जो है इनको मानसिक रूप से परेशानी देता है। सेटिस्फेक्शन यानी मन अंदर से प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, ऐसा होने से रोकता है। शनि के साथ साथ मंगल भी बैठा हुआ है यहीं पर, तो मंगल जो है, मंगल शनि के पहले है क्योंकि ये 60 डिग्री का है, यानी मंगल और शनि के बीच में चंद्रमा नहीं है। तो शनि मंगल का योग भी बन रहा है और चंद्रमा शनि का योग बन रहा है। चंद्रमा और मंगल का योग प्रभावशाली नहीं रहेगा क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बीच में शनि है, तो इसलिए धन की समस्याएं भी ये दे रहा है। शुक्र उच्च का है और यहाँ का स्वामी लाभ भाव में है, घर का सुख रहेगा, घर में लग्जरी रहेगी, 4-व्हीलर वाहन रहेगा, ये सारे सुख इनको जीवन में मिलेंगे हर परिस्थिति में। सूर्य उच्च का है, समाज में मान सम्मान भी बना लेंगे, महत्वाकांक्षी भी रहने वाले हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी ये मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। बुध इनका बैठा हुआ है 6ठे भाव में, बुध व्यापार का कारक ग्रह है और यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी भी है, तो कर्म भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाना ये तो ठीक नहीं दिखता है। कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधा देता है। किसी भी भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में जाएगा तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी करेगा। तो पत्नी भाव का स्वामी खष्टम में गया, या तो पत्नी झगड़ा करती रहेंगी या तो बीमार रहेंगी। ऐसे ही कर्म भाव का स्वामी 6ठे में गया है, या तो कामकाज बीमार रहेगा या कामकाज इनको टेंशन देता रहेगा। तो ये बुध के कारण से कुछ परेशानियां इंडिकेशन मिल रहा है। सप्तम भाव में राहु है, बुध के घर में है, पत्नी होशियार और चालाक, समझदार मिलने वाली हैं। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो दशम भाव में चला गया। अब यहाँ पे चंद्रमा जो दशम भाव में गया है वो पीड़ित हो गया है। चंद्रमा मन का ग्रह भी है, पूरा मन काम में लगाने का प्रयास करिए। और जैसे जब किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा शनि के साथ होता है, आमतौर पर कोई व्यक्ति महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल किसी काम में लगा रहता है, तो उसे सफलता
ईश्वर दे देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा है कि आपको बहुत अधिक दिन किसी भी काम में मनोयोग लगाने के बाद सफलता मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ में चला गया है। भाग्य का स्वामी उच्च का है, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, भाग्य के भरोसे आपके ज़्यादातर मैटर हल होते रहेंगे, भाग्य के मामले में ठीक है। यहाँ पर दो शत्रु ग्रह हैं, द्वंद्व योग बना हुआ है, शनि मंगल की युति द्वंद्व योग, चंद्रमा और शनि की युति विष दोष, तो काम काज को लेकर के ही ज़्यादा बाधाएं मुझे नज़र आ रही हैं। भविष्य में आपके पैर के घुटनों में भी दर्द वगैरह की शिकायत ये दो क्रूर ग्रह दशम भाव में बैठ करके देने का प्रयास करेंगे। गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, जीवन में आमदनी कभी बंद नहीं होने देगा, आमदनी हमेशा चलती रहेगी। इसके अलावा कुछ प्रश्न भी आपने पूछे हैं, उनको भी मैं कवर करता हूँ। आपने पूछा हुआ है कि पार्टनरशिप में काम करें कि ना करें। पार्टनरशिप स्थान का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है, तो पार्टनरशिप करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का होता है तो दिक्कत होगी। अगर पार्टनरशिप करना है तो शुक्र चूंकि आपकी कुंडली में उच्च का है, तो आप किसी स्त्री से पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी स्त्री को पार्टनरशिप बनाइए, लेकिन उसका स्टेक जो है, होल्डिंग परसेंट जो है शेयर में, वो कम रहना चाहिए। पुत्र योग के बारे में आपने पूछा हुआ है, बृहस्पति के वक्री होने के नाते पुत्र देर से प्राप्त होने की संभावना है, हालांकि गुरु की दृष्टि इस भाव पर है, पंचम भाव पर है, तो पुत्र आपको प्राप्त होगा ही होगा। अभी पुत्र कब तक प्राप्त हो सकता है इसके लिए हम देख लेते हैं दशाओं को। अभी गोचर में गुरु का गोचर मेष राशि पर चल रहा है, तो गुरु का गोचर मेष राशि पर यानी पंचम भाव में होने के नाते संतान का योग अभी भी बना हुआ है, तो इसलिए आप प्रयास करते रहिए, संतान की प्राप्ति आपको यथाशीघ्र हो सकती है। अन्यथा संतान का जो योग बनेगा जून 2024 से जून 2025 के बीच में फिर योग बनेगा, और अभी भी संतान का योग गोचर से बना हुआ है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी, गुरु के नाते देरी हो रही है लेकिन पुत्र की प्राप्ति होगी। अगला सवाल आपने पूछा हुआ है, कोई भी कार्य समय पर नहीं होता, कोई भी कार्य समय पर ना होने का कारण काम का भाव यही है। यहाँ पे द्वंद्व योग और विष दोष बना हुआ है, इसलिए काम समय से नहीं हो पा रहा है। अगला आपने पूछा हुआ है, पैसा वापस नहीं मिलता, अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो पैसा फंस रहा है, वापस नहीं मिल रहा है, उसका भी कारण ये दशम भाव में तीन ग्रह जो एक दूसरे के विपरीत हैं यही है। इन्हीं दोनों योग दुर्योगों की शांति कराने से आपका ज़्यादातर मैटर हल हो जाएगा। और बुध जो दशम भाव का स्वामी, और दशम से दशम भाव होता है सप्तम भाव, ये सप्तम भाव जो है दशम से दशम भाव होता है, तो इसका भी स्वामी जो है छठे में है, तो बुध के लिए रुद्राक्ष भी पहनिए, चार मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए आपको पहनना चाहिए। व्यापार में पैसा फंसा है, इससे निकल जाएगा, अभी कोई साढ़े साथी वगैरह नहीं चल रही है। और एक आखिरी सवाल जो आपने टेंशन रहता है पूछा है, वो उसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा जून 2022 से शुरू हुई है, और अब आप 2041 तक शनि की महादशा का उपभोग करने वाले हैं, तो शनि आपकी कुंडली में धन भाव और परिश्रम भाव का स्वामी, ये शनि आपसे मेहनत करवाने वाले हैं, वक्री अवस्था में है, दशम भाव का वक्री ग्रह सफलता देता है, थोड़ा समय लेता है लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। नवमांश कुंडली में शनि सूर्य की राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि में है, बहुत ठीक तो नहीं है। और अगर हम शनि का देख लें, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल कारक ग्रह है, यानी पुत्र की प्राप्ति तो इसमें होगी शनि की दशा में। आप शनि मंगल और चंद्रमा का शांति करवा लीजिए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पैसे की जो भी समस्या है, व्यापार की जो भी समस्या है, शनि मंगल का द्वंद्व योग और चंद्रमा शनि का विष दोष ये कारण है, और छठे भाव में जाना ये कारण है, तो इसके लिए रुद्राक्ष पहनिए, और आप सूर्य के लिए माणिक्य पहनिए, ताकि आपका भाग्य और प्रबल हो जाए, और गुरु जो शत्रु राशि में गया है उसके लिए पुखराज पहनिए, ताकि गुरु भी मजबूत हो सके। बुध के लिए चार मुखी रुद्राक्ष, शनि का जप, मंगल का जप और चंद्रमा का जप, इतना आपको करवाना है। वर्तमान में आपकी राशि से
छठे भाव में शनि का गोचर आ गया है, बृहस्पति सातवें भाव में चल रहा है, 22 से थोड़ा सा और खराब हो जाएगा 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से एक साल के लिए आपके कामकाज और व्यापार में थोड़ी सी और दिक्कत हो सकती है। 22 अप्रैल 2023 से जब गुरु मेष राशि पर आएंगे तो ये मान के चलिए 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक रहेंगे, तो 2024 के शुरुआत में ही पुत्र की प्राप्ति का योग बन जाएगा, पुत्र आपको जल्दी ही मिलने वाला है, प्रयास में लगे रहिए। आगे अभी समय थोड़ा सा और विपरीत होने वाला है, 15-16 महीने आपके लिए आगे के विपरीत होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। नवमांश कुंडली में लगन में शुक्र नीच का होके बैठा हुआ और लगन कुंडली का यहाँ पर छठे भाव में गया हुआ है, जो पत्नी का थोड़ा सा स्वभाव वगैरह भी बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे में पत्नी से थोड़ा तर्क वितर्क बहस वगैरह कुछ अधिक ही होने की संभावना है। सूर्य नीच का है, केतु के साथ में है, तो ये बताता है पत्नी के पास भी बहुत अधिक धन की स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। नवमांश कुंडली में गुरु का नीच होना पुत्र संतान में देरी का भी कारण बन रहा है, इसके अलावा पत्नी को पेट और गैस आदि की समस्या हो ऐसा भी दिखाई देता है। अन्य वर्ग कुंडलियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली लगन में ही सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है, जो आपको मान सम्मान जीवन में दिलाएगा, लेकिन लग्नेश छठे भाव में है, शनि चंद्रमा के साथ में है, रुक रुक के कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मान सम्मान है, फिर कभी ब्रेक लगेगा, मान सम्मान पे मिलता रहेगा, कम होता रहेगा, ऐसा ही चलेगा। यहाँ पर होरा कुंडली अगर देखें तो आपकी कर्क लगन की होरा है, जो कि पितरों की होरा होती है, यानी पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य श्राद्ध वगैरह करते रहेंगे तो आपका धन और सुख बढ़ेगा। जो पैसा बढ़ फंस रहा है, पैसे की समस्या है, पैसे का अटकना रुकना फंसना, इन सारे चीज़ों को आप पितरों के आशीर्वाद से सही कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र का जप किया करिए। इसके अलावा देश काल कुंडली से परिश्रम को देखते हैं तो लगन का स्वामी यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है मंगल। परिश्रम आप अपने मन से नहीं करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, मतलब परिस्थिति और समय आपसे परिश्रम करवाती है, ना कि आप स्वाभाविक रूप से परिश्रमी हैं। वैसे कोई भी नहीं होता, कौन परिश्रम करना ही चाहता है, बहुत से कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है मजबूरी में मेहनत कर रहे हैं, ये दर्शाता है लग्नेश का छठे भाव में जाना। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का हम विचार करते हैं तो लगन में जो है शुक्र है, चंद्रमा है, शनि है, 20-2 यहाँ भी बना हुआ है आपके। कुछ देखेंगे सबसे ज्यादा प्रबल दोष कौन सा है, तो आपकी कुंडली में यहां भी 20-2 है, लगन में भी है, होरा कुंडली में भी देखिए 20-2 बना हुआ है, और यहां पे चतुर्थांश कुंडली में 20-2 है, देश काल में भी है, यानी सबसे ज़्यादा परेशानी आपको शनि और चंद्रमा की युति से मिल रही है। कोई भी योग, अच्छा योग या दुर्योग बार बार रिपीट होता है कुंडली में, तो उस व्यक्ति का जीवन बनाने और बिगाड़ने में उस दोष की भूमिका बहुत बड़ी होती है, तो आप इसको कराइएगा शनि चंद्रमा का जरूर, यही आपके जीवन को बेकार में परेशान करके रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए पंचमांश कुंडली से बुद्धि विवेक का लगन का स्वामी गुरु है, जो कि 12वें भाव में मित्र के घर में बैठा हुआ है, और यहाँ का स्वामी तर्क वाले भाव में गया है। अच्छे तर्क शास्त्री हैं, आप विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कभी कभी जब कहीं आप समाज में बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, तो आपकी भाषा और बोली थोड़ी सी कटु हो जाती है। षष्ठांश कुंडली से शत्रुओं का ज्ञान होता है, लगन का स्वामी चंद्रमा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए यहाँ भी शनि चंद्रमा पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर छठे भाव में बुध बैठा हुआ है, यहाँ पे क्रूर ग्रह का होना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बुध का होना अच्छा नहीं है, चंद्रमा का होना नहीं अच्छा है, इसलिए ऐसा दिखता है कि, और सूर्य के साथ केतु ग्रहण दोष में भी है, राहु केतु में, तो इसलिए शत्रुओं की बाधा रहेगी, या आप ऐसे समझिए कि आपको अपने व्यापार में बड़ा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, लग्नेश गुरु ठीक है, यहाँ से भी पुत्र की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं, चंद्रमा शनि के साथ यहाँ भी पंचम भाव का स्वामी शनि के साथ गया है, ये दोष भी आपको रोक रहा है, यहाँ भी देखिए शनि और चंद्रमा की युति है।
मन आपका टिक नहीं रहा है, काम में पूरा मेहनत जो पूरा आपका सामर्थ्य है वह प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, काम में है सामर्थ्य लेकिन निकल के बाहर नहीं आ रहा है, इसको करिए तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा अनुभव आएगा। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार करेंगे, लगन पे लग्ने इस गुरु की दृष्टि है और यहाँ पर जो अष्टम भाव का स्वामी है वो दीर्घकालिक ग्रह शनि के साथ है, तो आयु आपकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। नवमांश पे मैंने बोला ही, दशमांश कुंडली देखते हैं तो दशमांश कुंडली का जो लगन है वह लग्नेश नवम भाव में बैठा है, गुरु चंद्रमा का गज केसरी भी है, गुरु नीच राशि में है और मंगल भी इस कुंडली में नीच राशि में है और दशम भाव का स्वामी शनि भी अष्टम भाव में है। अब दशमांश कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग नहीं है कि आप अपने व्यापार को बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जा सकें, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बृहस्पति यहाँ भी पीड़ित है तो इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया है, बृहस्पति का स्टोन आपको पहनना है और मंगल यहां पर दशमांश में नीच का है तो इसके लिए जो आप शनि मंगल का जप करवाएंगे उससे मंगल का निदान आपको मिल जाएगा। एकादशांश कुंडली से हम देखते हैं लाभ का विचार, लगने शनि है जो कि छठे भाव में है और लाभ भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है। मन माफिक लाभ, मन माफिक माफिक इच्छाओं की पूर्ति आपके जीवन में नहीं हो पाएगी, परेशानियां रहेंगी, मनो अनुकूल सारी चीजें जीवन में मिलती जाए इस बात की संभावना कम है। द्वादशांश कुंडली से पैतृक सुख देखते हैं, लगन में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं और लग्नेश बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है, पिता से थोड़ा सा मतभेद रहने के बावजूद भी पिता ने आपके आपके पिता के सुख के लिए अच्छा है, पिता ने अपना अच्छा कारोबार और सुख जीवन में बनाया। वाहन के सुख के मामले में लगन का स्वामी बुध है जो कि छठे भाव में है लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है, लोन और ईएमआई वगैरह से घर और गाड़ी का सुख बनता रहेगा। विशांश कुंडली से उपासना आदि का ज्ञान देखते हैं तो लगन कर्क है, छठे भाव में चंद्रमा गया हुआ है, मंगल के साथ में भगवान शिव और उनसे जुड़े हुए देवी देवता शिव हनुमान गणेश देवी दुर्गा आदि की उपासना में मन लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। अभी शनि की दशा का ही भोग है आपकी कुंडली के अनुसार, तो इसलिए ओम पिपलेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप सोते उठते बैठते चलते फिरते करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके अष्टक वर्ग आदि की चर्चा कर लेते हैं और फिर देखते हैं किस ग्रह का गोचर किस राशि में आपके लिए कैसा फलित करने वाला है। अष्टक वर्ग सारणी के माध्यम से हम ग्रहों के गोचर देखते हैं। यह अष्टक वर्ग कुंडली में इधर की तरफ राशियां लिखी हुई हैं, इधर की तरफ ग्रह लिखे हुए हैं। जहां 0 से 3 पॉइंट है उस राशि का गोचर खराब है, जहां 4 पॉइंट है एवरेज उसे लेते हैं, 4 के ऊपर 5, 6, 7, 8 बहुत अच्छा माना जाता है। शनि का गोचर जब भी मेष राशि में होगा तो सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं यानी खराब रहेगा। शनि जब भी वृषभ राशि में गोचर करेगा खराब फल देगा, शनि जब भी मिथुन राशि में गोचर करेगा बहुत खराब देगा, कर्क में एवरेज देगा, सिंह में खराब देगा, कन्या में और खराब देगा, तुला में थोड़ा कम खराब देगा, वृश्चिक में अभ्रस देगा, धनु में खराब, मकर में अच्छा देगा, कुंभ में शनि का गोचर सबसे अच्छा फल देगा। अभी शनि का गोचर कुंभ में प्रारंभ हुआ है तो अच्छा देने की उम्मीद है। तो इधर से आप ग्रह को देखिए, इधर से राशि को, जिस राशि पर 4 है वहाँ एवरेज है, 4 से कम खराब है, 4 से ऊपर अच्छा है। जैसे गुरु यहाँ पर देखिए मकर राशि में 7 पॉइंट गुरु को मिला हुआ है, तो जब भी गुरु मकर राशि में गोचर करेगा बहुत अच्छा फल देगा। अभी गुरु कहाँ गोचर कर रहा है, मीन राशि में, तो मीन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए एवरेज है। उसके बाद मेष राशि में यहाँ गोचर से ठीक है, तो 22 अप्रैल के बाद से गोचर से गुरु ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ आय के रास्ते खोलने का और बढ़ाने का प्रयास करेगा। ओवरऑल अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ग्रह का गोचर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादातर राशियों में, तो यहां पे सबसे ज्यादा गुरु को मिला हुआ है, कुल में 56 गुरु सबसे नंबर एक पे गोचर में आपके लिए अच्छा करेगा। फिर उसके बाद ये है 54 बुध ग्रह, फिर उसके बाद 42 शुक्र ग्रह। तो किस ग्रह का गोचर किस राशि पर कैसा जाएगा यहाँ से देख सकते हैं। अष्टक वर्ग की अगर हम बात करें सर्वाष्टक वर्ग कुंडली से देख करके, तो सर्वाष्टक वर्ग कुंडली आपकी लगन में 25 पॉइंट्स है, एवरेज पॉइंट हम लेते हैं,
28 को लगन में अभ्रक से कम बिंदु बने हुए हैं। अभ्रक से कम बिंदु होने का मतलब है थोड़ा सा शारीरिक रूप से परेशान रहना। यहाँ पर 29 पॉइंट्स हैं धन भाव में, व्यय भाव में 25 है। व्यय में कम है, धन में अधिक है। जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धन के स्तर पे आप कभी बहुत बुरी स्थिति का सामना जीवन में करने वाले नहीं हैं। लाभ भाव में 32 है, व्यय में 25 है। आमदनी अधिक रहेगी, उससे थोड़ा कम ही खर्चे रहेंगे ज़्यादातर जीवन में। यहाँ पर 34 पॉइंट्स है, जब भी कोई ग्रह तीसरे भाव में गोचर करता हुआ आएगा तो वो आपसे मेहनत जरूर करवाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। भौतिक सुख जीवन में अभ्रज है। संतान भाव में 23 है, इसीलिए संतान को लेकर के कुछ दिक्कत परेशानी बन सकती है। छठे भाव में 29 है, ये ठीक है, शत्रु कमजोर होते रहेंगे। सप्तम भाव में 23 है, लगन में 25 है, पति पत्नी में पति हावी रहेगा। अष्टम भाव में 38 है, कार्यों में रुकावट विघ्न बाधा देरी आती रहेगी। भाग्य भाव में 21 है, भाग्य से ज़्यादा आपको कर्म करना पड़ेगा। भाग्य कम सपोर्ट देगा, कर्म अधिक करना पड़ेगा। कुछ लोगों का होता है कर्म कम करते हैं लाभ अधिक मिल जाता है, भाग्य अधिक साथ दे देता है, तो भाग्य अधिक साथ नहीं देगा। कर्म प्रधान ये कुंडली आपकी बनती हुई नजर आ रही है।